एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुराने विवाद में पान टपरी पर मारपीट, 9 वर्ष के पहले दिन कोविड से मौत, किशोरों को 7 केंद्रों पर लगेंगे वैक्सीन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पुराने विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच हुई तूतू में 5 अन्य लोगों में शामिल होने के साथ हमले में तब्दील हो गई। शुक्रवार की रात 8 बजे नंदनवन में यह घटना घटी। 34 वर्षीय सरदार शाह सत्तार शाह अपने मित्रों के साथ शुक्रवार की रात 8 बजे हसनबाग स्थित औरंगजेब गेट के पास एक पान टपरी पर पहुंचे। पान लेने के बाद आरोपी कल्लू कबाड़ी अपने 5 साथियों के साथ वहां पहुंचा। कल्लू ने सरदार शाह के साथ विवाद करते हुए गाली गलौज की और अपने साथियों के साथ सरदार शाह के साथ मारपीट करते हुए कार की तोड़फोड़ की। इस घटना के चलते परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही गश्ती कर रहा पुलिस दल यहां पहुंचा। सरदार शाह की शिकायत पर नंदनवन पुलिस ने आरोपी कल्लू कबाड़ी और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अगली खबर, 9 वर्ष के पहले दिन नागपुर में कोविड से पहली मौत दर्ज की गई। हालांकि मृतक जिले के बाहर का है, वही 54 नए पॉजिटिव भी मिले। इसके साथ अब तक कुल 4,94,103 संक्रमित मिले और 10,123 की मौत दर्ज की गई और 2 जिले के बाहर के है। मृतक चंद्रपुर निवासी है, नागपुर में वह इलाज कर रहा था। पिछले 1 सप्ताह में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 321 पर जा पहुंची। इसमें शहर के 287, ग्रामीण के 26 और जिले के बाहर के 8 है। आज 3 स्वस्थ हुए। अब तक कुल 483,669 संक्रमित ठीक हुए। जिले में 4,662 नमूने जांचे गए, इनमें शहर के 3,045 तथा ग्रामीण के 1,617 है। संक्रमण दर बढ़कर 1.15% पर पहुंचा है। अगली खबर, नागपुर में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों का टीकाकरण सोमवार 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। संबंधित आयु वर्ग के लाभार्थियों को 7 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी स्कूल टीकाकरण के लिए अनुरोध करेंगे महानगर पालिका द्वारा उनके लिए विशेष शिविर भी लगाया जाएगा। उसी प्रकार 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों का टीकाकरण नियमित जारी रहेगा। महापौर दयाशंकर तिवारी और महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने टीकाकरण मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।